आज की राजनीति ऐसी हो चुकी है कि हमारी उम्मीदें भी घट चुकी हैं। मैं जब लोगों से पूछती हूँ कि भाई क्या उम्मीद है सरकार से, तो अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ ज्यादा नहीं, हमारा संघर्ष भरा जीवन है, अगर हमारे जीवन में कुछ सहायता कुछ मदद मिल जाती, रोजगार मिल जाता, महंगाई थोड़ी कम हो जाती, जैसे गैस सिलेंडर है उसकी वो कम महंगा हो जाता, उससे हमें सुविधा हो जाती, तो लोगों की उम्मीदें भी घट रही हैं, क्योंकि राजनीति का ध्यान किस ओर जा रहा है? ऐसी बातों की ओर जिससे आपकी तरक्की का कोई ताल्लुक नहीं है। तो चुनाव के समय जब मैं देखती हूं कि भाजपा के नेता मंच पे आते हैं तो कैसी कैसी बातें करते हैं। अब मैं सुन रही थी मोदी जी का भाषण, तो मैंने सोचा विकास की बातें करेंगे, ये बताएंगे कि घोषणाएं जो इन्होंने की हैं, कौन से प्रदेश में इन्होंने इस तरह की नीतियां लागू की हैं जो अभी चल रही हैं, पता तो चले जनता को कि अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका आधार क्या है। उल्टा मैंने देखा कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो आज भी इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा अरे ये तो मोदी जी मेरी बात कर रहे हैं, मुझसे नाराज हो गए। और मैं सोच रही थी कि मोदी जी आप तो 24 घंटे हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, एक दो बार मैंने भी सोचा कि मैं इंदिरा जी का नाम ले लूं, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई। आगे सुना मैंने भाषण उनका, आगे कहने लगे कि इन कांग्रेसियों का खून खराब है। तो मैंने सोचा कि भाई ये मोदी जी ने पैथ लैब्स कब से खोल दी कि खून का टेस्टिंग कर रहे हैं, अगली बार बुखार चढ़ेगा तो मैं मोदी जी के पास भेज देती हूं। लेकिन मन में देखिए मजाक एक तरफ है, मन में ये बात आई कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पद की एक गरिमा है, अगर किसी का दायित्व है कि सार्वजनिक जीवन में जो चर्चा परिचर्चा का स्तर है उसे ऊंचा रखना है तो ये प्रधानमंत्री का ही दायित्व होता है, बड़े बड़े नेताओं का होता है। कि चुनाव का समय है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे खून में क्या है क्या नहीं है, वो टेस्ट रिजल्ट बता देगा हमारा। जनता को मतलब है अपनी समस्याओं से। आज सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं। अब देखिए बार बार कहते रहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 10 सालों से आपकी सरकार है, अब तो जिम्मेदारी ले लीजिए। 10 सालों से आपने इंदौर में कौन सा विश्वविद्यालय खोला है, कौन सा मेडिकल कॉलेज खोला है? मध्य प्रदेश में हजारों स्कूल बंद हो गए हैं। जब लोग गांव से यहाँ शहरों में पलायन करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहां आपने सुविधा दी नहीं है। तो आप 18 सालों से इस प्रदेश में आपकी सरकार है, 10 सालों से केंद्र में आपकी सरकार है। तो अगर ठीक है आप कह रहे हैं कि किसी ने आपसे पहले कुछ किया ही नहीं, ये छोड़ देते हैं हम बात की IIT हो, IIM हो, एम्स हो, सब पंडित नेहरू के समय से है, छोड़ देते हैं हम बात। हम कहते हैं चलो मान लिए किसी ने कुछ नहीं किया, आपसे पहले जितने भी लोग आए वो सब बेकार थे, किसी ने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया है? क्या आप अपनी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक ऐसी राजनीति करने की हिम्मत कर सकते हैं जो नकारात्मक नहीं और सकारात्मक है? क्या आप मंच पे खड़े होकर आप ये हिम्मत कर सकते हैं कि अतीत की बातों को बंद करें और आज की बात करें कि आपकी सरकार ने क्या किया? क्योंकि जब आप इस बात को उठाते हैं तो सिर्फ ऐसी बातें करते हैं कि हमने G20 की बहुत बढ़िया किया, देश का मान सम्मान बढ़ाया, ठीक है संसद का सुंदरीकरण किया, उसमें भी आपने 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर लिए, आपने अपने लिए दो बड़े बड़े हवाई जहाज खरीदे, 16,000 करोड़ रुपए खर्च लिए। क्या जनता का हक नहीं है कि पूछे कि ये किसके पैसे खर्च रहे हैं, ये किसकी संपत्ति है जो आप अपने दोस्तों को बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंप रहे हैं?
जो कौड़ियों के दाम में आप दे रहे हैं उनको, क्या जनता का हक नहीं है कि आपसे पूछे कि 70 साल की बात छोड़िए, 10 साल की बात बताइए, 10 साल में हम बेरोजगार क्यों हैं? आपने रोजगार क्यों नहीं बनाए? जहां से रोजगार बनते हैं उन कंपनियों को आपने कौड़ियों के दाम में क्यों बेच दिया अपने दोस्तों को? क्या हमें पूछने का हक नहीं है? क्या जनता को ये पूछने का हक नहीं है कि पहले हमें किसानी खेती से हमें रोजगार मिलते थे, हमें ग्रामीण रोजगार मिलता था मनरेगा से, आज आपने उसको ठप कर दिया है। आज किसान इतना परेशान है, पेट्रोल डीजल खाद कुछ नहीं खरीद सकता। क्या किसान को हक नहीं है कि वो पूछे कि वो ट्रैक्टर पे जीएसटी क्यों दे रहा है, वो पेट्रोल पे जीएसटी क्यों दे रहा है, वो डीजल पे जीएसटी क्यों दे रहा है? क्या उसे हक नहीं है पूछने का कि मेरा बेटा तुम्हारे लिए सरहद पे खड़े होकर इस देश की रक्षा कर रहा है, मेरा बेटा जवान बनता है और मेरे बेटे के लिए तुम ऐसी स्कीम क्यों लाए हो मोदी जी जो 4 सालों में खत्म हो जाती है? मेरा बेटा काम करता है, परिश्रम करता है, संघर्ष करता है सेना में भर्ती होने के लिए, और आपने उसको 4 सालों के लिए 4 सालों की नौकरी देकर उसको आप घर भेज देंगे? क्या हक नहीं है किसान को पूछने का? क्या महिलाओं को हक नहीं है पूछने का कि हमारे लिए क्या किया? आपकी यहाँ 18 सालों से सरकार थी, पिछली ये सरकार 3.5 सालों से चल रही है। क्या महिलाओं को हक नहीं है पूछने के लिए कि हमें पहले ये पैसे क्यों नहीं दिए जो चुनाव के 2 महीने पहले आप हमारे खातों में डाल रहे हो? क्या हम उस समय गरीब नहीं थे? क्या हम उस समय समाज का बोझ नहीं उठा रहे थे? क्या हम उस समय खेतियों में काम कर नहीं रहे थे? क्या हम उस समय अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर रहे थे? क्या महिलाओं को हक नहीं है ये पूछने के लिए कि जो बिल आप लाए हैं हमारे आरक्षण के लिए, जिसमें आप कहते हैं कि 33% आरक्षण हमें देंगे, वो बिल 10 साल के लिए आप लागू क्यों नहीं करेंगे? ये हक है और मैं इस हक को या के बारे में याद दिलाने के लिए आज यहाँ पे आपके सामने खड़ी हूँ। मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी जागरूकता चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आपके हक आपके हाथों में जाए, कि आपका अधिकार वापस आपको मिले। मैं चाहती हूँ कि जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जो हर स्तर पर जनता की संपत्ति जनता की जेब में वापस डाल रही है, वैसी सरकार मध्य प्रदेश में बने। मैं चाहती हूँ कि जो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम करके आपको दिखाया है कि आपकी सारी संपत्ति आपसे की जेब से निकाल दी, मिडिल क्लास के लिए कोई विजन नहीं, गरीबों के लिए कोई विजन नहीं, आपके लिए कोई सहूलियत सहायता नहीं, और सारी संपत्ति बड़ी बड़ी बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी, मैं चाहती हूँ कि वो संपत्ति वापस आपके जेब में जाए। कैसे जाएगी? कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो करके दिखा रही हैं। कांग्रेस राजस्थान में आज 25 लाख का इलाज मुफ्त में हो रहा है, और ये चुनावी घोषणा नहीं थी, ये 1.5 साल से चल रहा है। राजस्थान में ये हो रहा है, छत्तीसगढ़ में गाँव में जो समस्याएं हैं वो गाँव में सुलझाने की कोशिश हो रही है।